यह हिंदी बोलने का एक उदाहरण है। भारत की जनसंख्या अब 134 करोड़ से अधिक है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सामग्री में अधिक विश्वास है जो अंग्रेजी में नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स विंडो क्रिएट नोट। ये दाल चावल खा रहा भैया, मोर ऑप्शंस बटन। अरे ऋषि कहाँ से आ गया पारस भैया, ये कौन सी वो सुना रहे हो शेर। और इसके अंदर ऋषि इसके लिए ऑटो टिटेस ला रहे हो का? नो गाइस, सही टाइटल पढ़ा है आपने, नया ऑटो टिटेस प्लस एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप। इसके अंदर आपको हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है, और इवन हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी जितनी भी लैंग्वेज आप इसमें डाउनलोड करोगे सबको एक साथ यूज कर सकते हो विदाउट ऑटो टीसेस इसी ऐप के अंदर। भाई इस ऐप का नाम है इंडिक हेयर टू वॉइस। इस ऐप की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन ऐप है, मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और इतना फास्ट काम करता ना, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल पता चली जाएगा, तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। तो मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है ना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच ऑटो नया ऑटो टीचर आपके लेकर आया है, तो क्या मतलब कर रहे हो? लाइक की कमी आपकी ओर से बिल्कुल नहीं चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ दो भैया, जितने लाइक कर सकते हो उतने लाइक करो, क्योंकि व्यूज मेरे को लगता है कि इस पर आने चाहिए और सभी तक वीडियो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि नया ऑटो टीचर, जितने व्यूज उतने लाइक करो यार, रिकॉर्ड तोड़ दो और एंड तक देखना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो जितने को नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमको इसके लिए दो एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो है इंडिक हियर टू वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप जाओगे यहाँ पर आपको ऐड लैंग्वेज, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। इसमें इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, पंजाबी है, असम है, बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप जो है अपना किसी भी लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज आप सुनना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पंजाबी के लिए अलग है, तभी आप उन लैंग्वेजेस को यूज कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम जो मेन ऐप है इसका इंडिक वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच, उसके अंदर चलेंगे इंडिक हियर टू रीड, इसको ओपन करेंगे। Here to read TTS engine provides a background service to convert text to speech. It is not a screen or book reader. It provides a demo screen that reads few short sentences as an audio demonstration. The demo screen is not a screen reading app. It can be used by any TTS enabled app to read by listening. The most common. तो ये इस अपने बारे में बता रहा है, ये जो है अगर आप इसको बिना किसी लैंग्वेज ऐप के डाउनलोड करोगे तो ये एक जो है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है, है ना, जैसे आप अपना नॉर्मल टेक्स्ट टू ऑडियो करते हो, लेकिन अगर आप इसमें जो है रीड वगैरह कराना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज ऐप अगर आप डाउनलोड कर सकते हो। डोंट शो अगेन करेंगे और ओके कर देते हैं। अब ये ऐप ओपन हो गई है, ये एक बहुत मेन ऑप्शन है ऑटो टीटीएस का फीचर, इसी को मान लो एंड इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये बता रहा है हिंदी मेल, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने हिंदी के लिए मेल वॉइस डाउनलोड कर रखी है, इसलिए शो कर रहा है। आपको सिंपल से ऐड वॉइसेस पे जाना है, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हो, बस कुछ नहीं। चलिए ऐड लैंग्वेज पे आकर दिखाता हूँ मैं, पंजाबी भी करेंगे। सारी यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेज है, गुजराती है, कन्नड़ है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, तो मैं सिंपली पंजाबी कर लेता हूँ, पंजाबी करने रखी मैंने। तो ये फीमेल में है, इस पे क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर में लेके जा रहा है, देखिए हमको देखिए पंजाबी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। बस जैसे आप डाउनलोड कर लोगे अब आपकी जो पंजाबी की लैंग्वेज है वो भी वहां पर शो करने लगेगी, ठीक है। अब आप सोचोगे यार हमने इसको ऑटो टीटीएस तो बोल दिया है, इसमें इंग्लिश ही नहीं है, कौन सा ऑटो टीटीएस है भैया? तो वही हम आपको मेन चीज दिखाने जा रहे हैं। आपके फोन में बैक करेंगे, पंजाबी आ गई इसके अंदर, ठीक है। आप इनके अंदर जाकर, लैंग्वेजेस के अंदर जाकर अपना एग्जांपल वगैरह सुन सकते हो कैसी वॉइस है, देखिए हिंदी बोलने का ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसको कॉपी करता, कॉपी है ना। तो ये हिंदी बोलने का एक उदाहरण है, ये जो लिखा है आप इसको स्टॉप प्लेबैक बटन प्रीवियस सेंटेंस प्ले पॉज प्ले पॉज करके सुन सकते हो एग्जांपल, ठीक है। वो अभी हम बाद में सुनेंगे वॉइस वगैरह सेट करने के बाद, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, आप इग्नोर करें, बैक करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपके फोन में By default TTS installed है, Vocalizer, Eloquence, Smart Voice, आप उन को use कर सकते हो और अपनी English language का use कर सकते हो। कैसे? ये जो पहला option है ना, string slash menu, इसके अंदर जाना है आपको, About, setting के अंदर जाना है,
Loading English voices. अब यहाँ पर लोडिंग इंग्लिश वॉइस, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर आपके सारे TTS आ गए. App is start not ticked. Okay, but this is the settings for English speech. Use Android TTS settings to adjust index speech. ये देखिए, ये बोल रहा है कि ये English language के लिए setting है और अपने जो आप Android TTS जितने आपके phone में उनसे आप इसको adjust करो. Okay करेंगे. Settings. अब देखते हैं यहाँ पर सेटिंग है. Change English voice. Change English voice. इसके अंदर आपको जाना है और Cancel. इसके अंदर जाते ही आपको वो सारी voices देखने को मिलेंगी जो कि आपको Auto TTS के अंदर देखने को मिलती हैं. Even ऑटो TTS के भी वॉइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो आपने ऑटो TTS में सेट कर रखे. देखिए स्पीच सर्विसेज बाय गूगल एंड USA स्पीच सर्विसेज बाय गूगल एंड IND है ना, ये गूगल TTS की सारी आ रही है. ये जीशो की आ गई, अभी ऑटो TTS की आएंगे आगे. ये देखिए बहुत सारी वॉइस एलोक्वेंस की भी आ गई. मैं वोकलाइजर करूंगा, आगे चलते जाइए. जितनी भी आपके फोन में वॉइस है ना सारी शो करेंगी. आगे चलेंगे, ये देखिए Vocalizer voices in Indiana. तो वोकलाइजर जो है इन इंग्लिश इंडियाना इंग्लिश इंडिया हम सेट करते हैं वोकलाइजर की वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. तो इस तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वॉइस सेट करनी है. English speech rate. यहाँ से आप स्पीच रेट 20% कम ज्यादा कर सकते हो, कितना आप रखना चाहते हो, है ना. 30% इसको जो है 36% slider. मैंने इतना कर लिया है, ठीक है. 30 कर लेते चलिए. English speech volume. अभी English speech volume 100. ये 100 है. Listen to English sample. Listen कर सकते हो, चलिए सुनते हैं. आवाज कम आ रही है. In English. अभी सुनते हैं फिर से. This is an example of speech synthesis in English. देखिए ऋषि इतना मस्त करके चल रहा है. अभी तो जब आप इसको by default सुनोगे ना करके तो देखना मजा आ जाएगा. Reset English rate. यहाँ से reset कर सकते हो. Reset. ठीक है, English speech rate और यहाँ से volume reset कर सकते हो. बस इतना ही है. Five. अब back करेंगे यहाँ से. Indicate. अब हिंदी के लिए तो भाई voice आपने download कर ही रखी है, उसके लिए आपको सेट करने की आवश्यकता नहीं है. पंजाबी के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करना है. बैक चल लो यहाँ से. अब बैक आ गए भैया. अब हम चलते हैं टॉकबैक मेन्यू में. इसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के अंदर घुसते हैं. स्टार प्राइम एप लॉक. अभी ऑटो टीटीएस इसके अंदर हम आ गए हैं. टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट प्रेफर्ड इंजन. प्रेफर्ड इंजन सुन लीजिए. प्रेफर्ड इंजन ऑटो टीटीएस. ऑटो टीटीएस अभी चल रहा है, ठीक है, आप सभी को पता है. अभी हम जो आपके सामने इंडिक हियर टू रीड करने जा रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे. इनिशियलाइज इंग्लिश प्रेफर्ड इंजन. ये देखिए इंडिक हियर टू रीड. इंडिक हियर टू रीड टेक्स्ट टू स्पीच बोलना चालू. इस बैक करके दिखाता हूं एक बार. लैंग्वेज लैंग्वेज यूज सिस्टम लैंग्वेज. यूज सिस्टम लैंग्वेज आपको करनी है. प्रेफर्ड इंजन इंडिक हियर टू रीड. और प्रेफर्ड इंजन इंडिक हियर टू रीड. भाई ये इतना फास्ट चलाना, तुरंत बोला है ये. और मैं आपको बताऊं स्पीच सर्विसेज है गूगल की वॉइस जब मैंने इसके अंदर रखी ना तो ये सॉरी वोकलाइजर की वॉइस या स्पीच सर्विसेज है गूगल की वॉइस रखी ना तो ये ओरिजिनल से भी फास्ट काम कर रहा है भाई. स्टॉप राइट. बहुत that, फास्ट that, है ये my... बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट सॉरी बहुत ज्यादा फास्ट है गाइस, लिटरली बहुत ज्यादा फास्ट है. अभी हम किसी कीबोर्ड में चलेंगे, हिंदी पढ़ के आपको दिखाएंगे, ठीक है. ओए नोटपैड ओपन करते हैं. अभी हिंदी टेक्स्ट हम हिंदी भारत हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये है इसकी हिंदी की मेल वॉइस जो आपको मिलती है ना. मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है. एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदी के लिए आप अपने मनपसंद का TTS नहीं रख सकते हो. हिंदी के लिए जो इसमें लैंग्वेज है वही आपको रखनी है. मोर ऑप्शन गाइज सुनिए. कीबोर्ड हिडन हिंदी भारत हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये सौंफ खा रहा ना भाई, कुछ खा रहा है TTS, पता नहीं क्या खा रहा लेकिन कुछ तो खा रहा है. स्टॉप. तो अभी हम एक जो टेक्स्ट है वो पेश करते हैं जो कॉपी किया था. अब सुनिए कितना बड़ा टेक्स्ट है ये, कितने कैरेक्टर का देखिए 222. यह हिंदी तुरंत पढ़ रहा है. अभी सुनिए फट गुरा भैया, मेरा फोन का स्पीकर फट रहा है, लेकिन मुझे फटता है. यह हिंदी बोलने का एक उदाहरण है. भारत की जनसंख्या अब 134 करोड़ से अधिक है. 45 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में हिंदी बोलते हैं. भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सामग्री में अधिक विश्वास है जो अंग्रेजी में नहीं है. सही बात है. वैसे हिंदी दिवस है आज के दिन, कल था वैसे, आप वीडियो देख रहे हो तो बिलेटेड हैप्पी हिंदी दिवस. नहीं यार हिंदी में बोलता हूँ ना, लेटरी रात्रि छोड़ो भैया हिंदी बननी रही मेरे से. मतलब आपको हैप्पी हिंदी डे, फिर से इंग्लिश मैं क्या बोल रहा हूँ भैया मेरे को नहीं आ रही, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, ठीक है. अब यहाँ पर जो है आपने देखा, पंजाबी भी दिखा देता हूँ मैं, लैंग्वेज बदलेंगे. स्पेस कॉमा विंडो अगली भाषा शोइंग इंग्लिश नेक्स्ट लैंग्वेज स्पेस नेक्स्ट लैंग्वेज हिंदी भारत
सी जेड अगली स्पेस जेड नेक्स्ट लैंग्वेज कर रहा हूं अगली भाषा पंजाबी गुरमुखी एबीसी पंजाबी की बोर्ड दिखाया जा रहा है। अरे लेट ले भैया, ये लेट के बात कर रही है, लेकिन गाइस पंजाबी भी वर्क कर रही है जी, तुसी देख सकते हो जी किदा पंजाबी गुरमुखी ए देखो बड़ी वधिया तरीके नाल जो है ये काम कर रही है। तो भाई ये जो है ना मेरे को बहुत खुश किया इस ऐप ने, मतलब इतनी जल्दी जल्दी जो इंग्लिश में होगा वो इंग्लिश पढ़ेगा, जो हिंदी में होगा इंग्लिश पढ़ वो जो हिंदी में होगा वो हिंदी पढ़ेगा, जो इंग्लिश में होगा वो हिंदी में पढ़ेगा, मतलब जो जो जिसमें होगा वो उसमें वो पढ़ेगा। और इतना फास्ट पढ़ रहा है ना भाई, कुछ जवाब नहीं है इसका। तो मेरे को जो है ना इस ऐप के बारे में, और ये कभी भी रुकेगा नहीं ज़िंदगी में, बहुत खुशी हुई, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको इसकी किसी प्रकार की सेटिंग चाहिए, कमेंट करो, नई वीडियोस इस पर आएंगी। अगर आपको स्पीच रेट में दिक्कत है ना, हिंदी वॉइस में दिक्कत है, किसी वॉइस में दिक्कत है, कमेंट करो, आपके लिए इस पर वीडियोस आएंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऐप है, मेरे को तो मज़ा आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। तो उम्मीद है आपको भी जो है नया ऑटो TTS पसंद आया होगा विद His on text to speech voices, क्या बात है, क्या इंग्लिश है भैया, लाइक ठोको इसी बात पे। तो कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।